नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। एक महीना पहले कोरोना पॉजिटिव हुए और आज 71 साल की उम्र में कांग्रेस के कद्दावर नेता अहमद पटेल का निधन हो गया। कांग्रेस के शीर्ष परिवार की 3 पीढ़ियों से एक अनोखा और भरोसे का रिश्ता रखने वाले अहमद पटेल आज हम सबके बीच नहीं है। उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। गांधी परिवार से अहमद पटेल की नजदीकियां किसी से भी छिपी नहीं थी। हर कोई अहमद पटेल से गांधी परिवार के रिश्ते को अच्छे से समझता था और सिर्फ कांग्रेस ही क्यों, अहमद पटेल ऐसी शख्सियत थे जिनकी दुश्मनी किसी से भी नहीं थी। लेकिन पार्टी में खुद उनके विरोधी इसलिए तैयार हो गए क्योंकि बाकी सभी नेताओं की तुलना में गांधी परिवार अहमद पटेल को ही ज्यादा पूछता था। हालांकि यही वजह थी जो पार्टी में उनके कई दोस्त भी बने थे। अहमद पटेल को 10 जनपद का चाणक्य कहा जाता था। वो कांग्रेस परिवार में गांधी परिवार के सबसे करीब और गांधियों के बाद नंबर 2 पोजीशन पर माने जाते थे। उनका प्रभाव बेहद ताकतवर था, लेकिन वो हमेशा लो प्रोफाइल रहते थे, साइलेंट और हर किसी के लिए सीक्रेटिव थे। गांधी परिवार के अलावा किसी को नहीं पता था कि उनके दिमाग में क्या रहता था। गांधी परिवार और प्रधानमंत्रियों से लगातार मिलते रहने के बावजूद उनके साथ पटेल की तस्वीरें बहुत कम हैं। राजीव गांधी के समय की बात करें तो उनके रहते अहमद पटेल ही थे जिन्होंने यूथ कांग्रेस का नेशनल नेटवर्क तैयार किया, जिसका सबसे ज्यादा फायदा सोनिया गांधी को मिला। अहमद के आलोचक कहते हैं कि गांधी परिवार के प्रति उनकी न डिगने वाली निष्ठा ही है जिस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। अहमद पटेल 1-2 नहीं बल्कि 16 साल तक सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव रहे। कांग्रेस के वो करीबी कितने भी रहे हों, लेकिन एक समय ऐसा था जब कांग्रेस की कमान संभालने के बाद राहुल गांधी ने भी अहमद पटेल को किनारे करने की कोशिश की थी, क्योंकि तब पार्टी युवाओं को तरजीह देने की तरफ आगे बढ़ रही थी। राहुल ने साइडलाइन करने की कोशिश की तो अहमद पटेल साइडलाइन हो गए, लेकिन राहुल को शायद उनकी अहमियत का एहसास हुआ और फिर राहुल ने कांग्रेस की नई कार्य समिति में उन्हें सदस्य बनाया, जिसके बाद फिर राहुल गांधी ने अहमद पटेल को कोषाध्यक्ष का पद भी सौंपा। इसी सब के चलते अहमद पटेल की कांग्रेस शीर्ष से मान लीजिए कि नजदीकियां हमेशा बढ़ती ही गईं। तभी तो अहमद पटेल के निधन की खबर से सोनिया गांधी बेहद दुखी दिखाई दी। उन्होंने कहा, मैंने एक वफादार सहयोगी, एक दोस्त और एक ऐसे कॉमरेड को खो दिया जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं उनके निधन पर शोक व्यक्त करती हूं और मैं उनके शोक संतप्त परिवार के लिए सांत्वना देती हूं। अहमद पटेल के परिवार के प्रति सहानुभूति और समर्थन की सच्ची भावना प्रदान करती हूं। राजनीतिक करियर की बात करें तो अहमद पटेल 3 बार लोकसभा में कांग्रेस के सांसद रहे और 5 बार कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सांसद रहे। लेकिन पार्टी में उनका कद इसलिए ज्यादा बड़ा था क्योंकि वो कांग्रेस के शीर्ष परिवार के प्रति अपनी वफादारी को साबित कर चुके थे। साल 1977 में जब कांग्रेस की हार से दुखी इंदिरा गांधी को अहमद पटेल और उनके साथी सनत मेहता ने अपने चुनाव क्षेत्र भरूच बुलाया, तो मानो इसी दौरे से इंदिरा गांधी की वापसी की कहानी शुरू हो गई। साल 1980 से साल 1984 वो वक्त था जब अहमद पटेल को पार्टी में अपनी असली पहचान मिली थी। कांग्रेस की पहली पंक्ति में अहमद पटेल को तभी जगह मिली थी जब इंदिरा गांधी राजीव गांधी को राजनीतिक जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार करने लगी थी। वो वक्त था जब अहमद पटेल राजीव गांधी के करीब आए थे। अहमद पटेल के बारे में इतना सब जानकर आपको जरूर अहमद पटेल की कांग्रेस पार्टी से नजदीकियों का एहसास हो गया होगा। फिलहाल अगर आप भी राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और अहमद पटेल के बारे में कुछ जानते हैं तो हमारे साथ जरूर साझा करें।